नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता आजम खान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकारों में रामपुरी चाकू का इस्तेमाल लोगों के शोषण के लिए किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में ये चाकू सुरक्षा में काम आया, जिसके बाद सपा नेता के कार्यकर्ताओं के ऐसी मिर्ची लग गई, जिसका जवाब देते हुए सपा के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने पलटवार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी के मदरसों को लेकर सर्वेक्षण और रामपुरी चाकू के बयान पर सपा के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने पलटवार किया है। इमरान मसूद ने कहा, सरकार और ओवैसी दोनों अलग अलग चीज है। सरकार का काम सर्वे कराना कम है, परेशान करने के नए बहाने ढूंढना। सीएम के रामपुरी चाकू के बयान पर इमरान बचते हुए नजर आए और कहा, सीएम की माया सीएम जाने। दरअसल सीएम के मदरसे सर्वे के बयान प्रमुख ओवैसी ने पलटवार किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए डर और नफरत का माहौल बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इस तरह के सर्वेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मदरसे हैं जो सरकार से संबंध हैं। पिछले 5 वर्षों में उन मदरसों के शिक्षकों को केवल 5 महीने का वेतन दिया गया है। भारत के मुसलमान भाजपा सरकार के अन्याय का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिस पर इमरान ने कहा, इन दोनों की बात अलग अलग है, ये बातें दोनों जाने। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के गढ़ में फिजिकल कॉलेज मैदान में 72 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। फिर जनसभा में आजम खान और समाजवादी पार्टी पर इशारों में तंज कसा। सीएम योगी ने कहा, अभी तक रामपुरी चाकू गलत हाथों में था, भाजपा सरकार ने अब रामपुरी चाकू का सही इस्तेमाल किया है। हमने रामपुरी चाकू से लोगों को सुरक्षा देकर उनको भय मुक्त बनाया। सीएम के बयान पर इमरान मसूद पहले तो इस सवाल से बचते दिखाई दिए, लेकिन बाद में हिचकिचाते हुए कहा, सीएम की माया सीएम जाने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दंगा फैलाने वालों को राज्य में नहीं पनपने देंगे। माफिया या गुंडा सत्ता में आते ही उनके राज्य में प्रवेश बंद है। बस इतनी सी बात सपा में बवाल मचा दिया, जिसको वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।